मोदी केरला स्टोरी देश में राजनीति खेल रही है। फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। एक ही फिल्म का कई राज्यों में बैन भी कर दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिल्म देखने मॉल पहुंचे हैं। फिल्म दी केरला स्टोरी लव जिहाद पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरल में लापता लड़कियों का धर्मांतरण किया जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। फिल्म दी केरला स्टोरी महाराष्ट्र में दिखाई जा रही है, लेकिन इस फिल्म को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि इस फिल्म के निर्माता को फांसी दी जानी चाहिए, तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान पर कहा है कि जितेंद्र आव्हाड के बुरे विचारों को फांसी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म कई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म जागरूकता पैदा करेगी और साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेगी। जहां देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद विरोधी कानून पर फिल्म को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की बात से इनकार किया, वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही कई राज्यों ने कानून बनाए हैं और उस पर अमल हो रहा है। देखिए, ये केवल एक सिनेमा नहीं है, कुछ सत्य कथाओं पर आधारित एक जन जागृति की मुहिम है। जिस प्रकार से इंडॉक्ट्रिनेशन करके, ब्रेन वॉश करके और एक अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, और उसके माध्यम से जिस प्रकार से देश के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, उसको उजागर करने का काम इस फिल्म के माध्यम से हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्म जागृति करेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार से देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब करेगी। देखिए, जिन्होंने कहा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर को फांसी देनी चाहिए, उनके सड़े हुए दिमाग के, सड़े हुए विचारों को फांसी देने की ज़रूरत है। कि हम लोग निश्चित रूप से, मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी कहा है कि हम लोग इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों ने कुछ पहल की है, उसका अभ्यास भी हम लोग कर रहे हैं। NBC News के लिए अभिषेक मानसी, ब्यूरो रिपोर्ट।